मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पेंटोग्राफ के बारे में बात करेंगे। एक पेंटोग्राफ क्या होता है, पेंटोग्राफ का यूज क्या है, पेंटोग्राफ का काम क्या है और एक पेंटोग्राफ के एप्लीकेशन क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो पेंटोग्राफ के बारे में समझ जाएंगे। बने रहिएगा आखिरी तक मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे बगल में एक पेंटोग्राफ को देख सकते हैं। इस पेंटोग्राफ में आपको एक पैरेललोग्राम नजर आएगा, ए बी सी डी, एक पॉइंट नजर आएगा ओ और एक पॉइंट नजर आएगा ई। तो यह है एक पेंटोग्राफ, सिंपल पेंटोग्राफ का डायग्राम। इस पेंटोग्राफ के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी। पॉइंट डी है और जो पॉइंट ई है, यह स्लाइडिंग पेयर्स हैं जो कि सिर्फ स्लाइड हो सकते हैं। इसलिए इस मैकेनिज्म को कहा जाता है कि यह मैकेनिज्म लोअर पेयर वाला मैकेनिज्म है, क्योंकि इसमें जो मेन पॉइंट है जहां से हमको आउटपुट मिलना है, पॉइंट डी और पॉइंट ई, इनमें स्लाइडिंग मोशन होता है, इसलिए यह लोअर पेयर है। पेंटोग्राफ एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें लोअर पेयर है क्योंकि आउटपुट हमको यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन के रूप में मिलता है। तो ये आप सिंपल पेंटोग्राफ का डायग्राम तो याद रख ही सकते हैं। इस डायग्राम में आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे, बेसिकली दो सिमिलर ट्रायंगल दिखेंगे, और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और पॉइंट ओ डी और ई एक ही लाइन में है, तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि पॉइंट ई सेम पाथ में चलेगा जिस तरह पॉइंट डी मूव होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो इस डायग्राम में आपको दिख रहे हैं वो सिमिलर हैं और ओ डी ई एक ही लाइन में है, तो इससे एक बात कंफर्म हो जाती है कि जो पॉइंट ई है वह वही लाइन को ट्रेस करेगा जो पॉइंट डी चलेगा। अब इस पेंटोग्राफ का काम क्या होता है, बेसिक काम के बारे में अगर हम बात करें तो साइज को बड़ा करने के लिए या साइज को घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो आप बोलेंगे किस चीज की साइज को, तो कुछ नहीं, अगर कोई एक मैप है या कोई एक डायग्राम है उसको आपको बड़ा करना है, उसकी स्केल जो है आपको इंक्रीज करनी है, उसके लिए आप पेंटोग्राफ का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर किसी डायग्राम की स्केल रिड्यूस करना है तो उसके लिए भी पेंटोग्राफ का यूज किया जाता है। और ये आपको समझ में आ जाएगा, पॉइंट ओ जिस जिस जगह में मूव होगा, पॉइंट डी और पॉइंट ई में अगर आप पेंसिल या पेन लगा देंगे तो पॉइंट डी और पॉइंट ई भी सेम लाइन ट्रेस करेंगे जिस तरह पॉइंट ओ चलेगा। छोटे डायग्राम को इसकी मदद से आप बड़ा कर सकते हैं, बड़े डायग्राम को इसकी मदद से आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ओ जिस लाइन में चलेगा डी और ई भी सेम लाइन खींचेंगे अगर आप इनमें कोई पेंसिल पेन या मार्कर लगा देते हैं तो। तो यह है सिंपल काम एक पेंटोग्राफ का। अब यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस खत्म नहीं हो जाते हैं। मान लीजिए पॉइंट ओ को हमने किसी मशीन के फ्रेम के साथ अटैच कर दिया है, पॉइंट ओ को हमने फिक्स कर दिया है किसी मशीन के फ्रेम के साथ, और पॉइंट डी अगर किसी इंजन के पिस्टन में रहता है तो इंजन के पिस्टन के कारण जिस तरह पॉइंट डी का मोशन होगा उसी तरह पॉइंट ई का भी मोशन होगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, अगर पॉइंट ओ को अगर हम फिक्स्ड कर देंगे किसी मशीन के फ्रेम के साथ और पॉइंट डी किसी इंजन के पिस्टन के ऊपर है, पॉइंट डी क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग मूव होगा क्योंकि यह पिस्टन के ऊपर है, इसलिए पॉइंट ई में भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन हमें देखने को मिलेगा। और अगर आप पॉइंट ओ को फिक्स कर देते हैं और पॉइंट डी की और पॉइंट ई की पोजिशन अगर आप चेंज करते हैं तो जो लाइन पॉइंट डी बनाएगा उसी के पैरेलल लाइन पॉइंट ई बनाएगा, यह भी बात आपको तो समझ में आ ही गई होगी। पेंटोग्राफ का इस्तेमाल मैप्स को रीडिजाइन करने के लिए, स्केलिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इंटरनल कंबशन इंजन में इंडिकेटर डायग्राम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कटिंग टूल्स को गाइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मॉडर्न इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो आप इंडिया में देखते हैं वह अपनी पावर ज्यादातर इसी से लेती हैं। जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि पेंटोग्राफ क्या होता है, कैसे काम करता है और पेंटोग्राफ के एप्लीकेशंस क्या क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आ गया होगा। भाई लोग पसंद आ गया तो जरूर लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं। जय जवान, जय किसान।